जबलपुर के शिवनगर में एक रहवासी ने बिजली वितरण कंपनी के विजिलेंस टीम पर पैसे मांगने का आरोप लगाया है। रहवासी ने एमपीवी के विजिलेंस टीम के शिव कुमार झारिया पर आरोप लगाया कि मीटर जांच के नाम पर 10,000 रूपये की मांग की गई, जिसे नहीं देने पर मीटर में तोड़फोड़ कर शिकायत की गई, वहीं जिसके कारण एमपीवी के कर्मचारियों ने उनका मीटर निकालकर नया मीटर लगा दिया। रहवासी प्रदीप पचौरी ने विजिलेंस टीम पर जांच के नाम पर जबरन पैसा वसूली का आरोप लगाया है। वहीं नया मीटर लगाने आए एमपीवी के अधिकारी ने कहा कि उनको विजिलेंस टीम ने सूचना दी थी कि प्रदीप पचौरी के मकान में अधिक भार है, जिसके कारण पचौरी के मीटर निकालकर टेस्टिंग के लिए भेजा गया है, वहीं उसकी जगह दूसरा नया मीटर लगाया गया है। एमपीवी वाले कल 5-6 लोगों की टीम आई और यहाँ पर घर में कोई भी जेंट्स नहीं था, दो तीन लेडीज थी। उनने आके वो सबसे पहले दरवाजा खटखटाया, खटखटाने के बाद वो बोलते हैं कि मीटर में आपके भार है, तो भार समझ में नहीं आया इनको कि क्या हो गया, मीटर तो बाहर लगा रहता है। पहली चीज क्या होता है कि एमपीवी वाले आके खुद मीटर लगाते हैं, ठीक है, मीटर लगाने के बाद में उनका हर व्यक्ति महीने में आता है, रीडिंग लेता है। अब हमको तो मालूम नहीं है मीटर घर के बाहर लगा है। क्या शिकायत एमपीवी? शिकायत मैं नहीं बता रहा हूँ, पूरी घटना बता रहा हूँ। आके वो बोलते हैं मीटर में भार है, तो भैया मीटर जिसने लगाया है, जिसने किया, तो उनको जानकारी में होगा, हमारे को तो जानकारी में नहीं है। वो लेडीज से आके बात करते हैं कि आपके मीटर में भार है, 10,000 रुपए दीजिए तो हम यहाँ से चले जाएंगे। क्या यहाँ पर विजिलेंस की टीम आई थी मीटर चेक करने, तो यहाँ पर जो भी बात हुई तो मीटर वो चेंज नहीं कर पाए ना चेक कर पाए। उन्होंने फिर हमें बताया, हमारे ऑफिस को बताया, तो हम लोग वही मीटर चेक करने और इसको चेंज में करेंगे, फिर एलटीएम के लैब में भेजेंगे टेस्ट करने, जो भी रिपोर्ट आएगी उसके हिसाब से बताएंगे।